हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडिया में हुई कुछ भयानक रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें हजारों लोगों की जान गई। दोस्तों, पहली रेलवे दुर्घटना है बिहार ट्रेन डीरेलमेंट, जो जून 6, 1981 को हुई थी। दोस्तों, उस दिन एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें 800 से ज्यादा लोग सवार थे, वो मानसी और सहरसा के बीच में डीरेल हो गई और बागमती रिवर में जा गिरी। 5 दिन के बाद 200 से ज्यादा बॉडीज को रिकवर किया गया और 100 से ज्यादा बॉडीज तो पानी में ही बह गई। टोटल डेथ काउंट अगर हम देखें दोस्तों, 500 से 800 के बीच में थी और इसे इंडिया का आज तक का डेडलीस्ट रेलवे एक्सीडेंट कहा गया है। दोस्तों, इसका कॉज आज तक पता नहीं चला है, बट कहते हैं कि ये साइक्लोन के कारण हुआ था या फ्लड के कारण हुआ था या इस ट्रेन का ब्रेक फेलियर हो गया था एक बफेले को बचाते बचाते। दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरा सबसे बड़ा हादसा है फिरोजाबाद रेल डिजास्टर का है, जो 20 अगस्त 1995 को फिरोजाबाद में हुआ था रात को 2:55 AM पे। दोस्तों, ये एक्सीडेंट कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के बीच में हुआ था। दोस्तों, कालिंदी एक्सप्रेस जो कानपुर में खड़ी थी, उसका ब्रेक फेलियर हो गया था एक गाय को टकराने के बाद। दोस्तों, पीछे से आते हुए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आ रही थी, उसने आके कालिंदी एक्सप्रेस को बहुत जोर से हिट किया था। दोस्तों, ये हिट इतना पावरफुल था कि जो लास्ट के 3 बोगियां थी कालिंदी एक्सप्रेस की, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के इंजन और फ्रंट दोनों ही बोगियां पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई थी। बोला जाता है दोस्तों, उस समय 2200 से ज्यादा लोग दोनों ट्रेन में उस समय सो रहे थे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली रेलवे दुर्घटना है वो काइजल ट्रेन डिजास्टर है, जो 2 अगस्त 1999 में हुई थी। इसमें ऑफिशियली 285 लोग मारे गए, बट अनऑफिशियली हजारों से ज्यादा लोग इसमें मरे थे। दोस्तों, इसमें हुआ यह था कि रात को 1:45 AM पे अवध आसाम एक्सप्रेस जो न्यू दिल्ली से आती है वो काइजल स्टेशन पे खड़ी थी। सिग्नलिंग प्रॉब्लम के कारण ब्रह्मपुत्र मेल को भी उसी लाइन पे दे दिया गया जो डिब्रूगढ़ से आ रही थी। दोस्तों, ये चीज किसी ने नोटिस नहीं की और ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि इसमें बोला जाता है कि दोनों ट्रेन एक्सप्लोड कर गई थी और उसमें सोए हुए जितने लोग थे हवा में उड़ते हुए आसपास वाली बिल्डिंगों से जा टकराए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली रेलवे दुर्घटना है वो खन्ना रेल डिजास्टर है, खन्ना रेलवे एक्सीडेंट है। दोस्तों, ये 26 दिसंबर 1998 को खन्ना नामक स्टेशन के आसपास हुई थी। दोस्तों, इसमें हुआ क्या था कि कलकत्ता बाउंड जम्मू तवी शियालदह एक्सप्रेस जो पहले से डीरेल्ड हो चुकी अमृतसर बाउंड फ्रंटियर मेल के साथ कोलाइड कर गई थी। इसमें दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि 212 से ज्यादा लोग मारे गए और दोनों ही ट्रेन में कम से कम उस समय 2500 पैसेंजर्स थे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली रेलवे दुर्घटना है पोखरण रेलवे दुर्घटना है। यह दुर्घटना 20 नवंबर 2016 को हुई थी। इंदौर पटना एक्सप्रेस जो इंदौर से पटना जा रही थी वो पोखरण कानपुर के पास डीरेल कर गई, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। दोस्तों, ये 1999 के गाइजल रेलवे डिजास्टर के बाद सबसे बड़ा एक्सीडेंट था। दोस्तों, इस रेलवे एक्सीडेंट का रीजन आज तक पता नहीं चला है। कुछ लोगों का कहना है कि वो कोचेस बहुत ही ज्यादा क्राउडेड थे और कुछ लोगों का कहना है कि मे बी रेलवे फ्रैक्चर के कारण हुआ, बट जो लोग इस एक्सीडेंट से बच गए उन लोगों का कहना था कि वो रेलवे कोच में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा था जब वो ट्रेन चल रही थी। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला रेलवे एक्सीडेंट है वो ज्ञानेश्वरी रेलवे एक्सीडेंट है, जो 28 मई 2010 को हुआ था। हावड़ा मुंबई लाइन पे 46 सेंटीमीटर 18 इंच की लेंथ की रेलवे ट्रैक मिसिंग थी। 1:30 AM पे जब ट्रेन उस ट्रैक पे आ रही थी तो डीरेल कर गई। ऑपोजिट डायरेक्शन से दोस्तों उस टाइम पे एक गुड्स ट्रेन भी ट्रैवल करके आ रहा था जो इन डीरेल कोचेस के साथ टकरा गया। इस रेलवे एक्सीडेंट से कम 141 लोगों की मौत हुई और 180 से ज्यादा लोग इंजर्ड कर गए। अब तक दोस्तों वो ट्रैक मिसिंग का पता नहीं चला है, कोई कहते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट के कारण हुआ या फिर ये माइस्ट का अटैक था। इस लिस्ट में जो अगला रेलवे एक्सीडेंट है वो रफीगंज रेलवे एक्सीडेंट है, जिसमें हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का डीरेलमेंट हुआ था ओवर अ ब्रिज। दोस्तों, ये ब्रिज धावे रिवर के ऊपर बना हुआ है। 10 सितंबर 2002 को हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जब वहां से गुजर रही थी दोस्तों, तभी रेलवे एक्सीडेंट हुआ जिसमें 15 से ज्यादा कोचेस डीरेल कर गए और उनमें से 2 कोचेस जाके दोस्तों ब्रिज के नीचे गिरे। इस एक्सीडेंट में 130 से ज्यादा लोग मारे गए और इस एक्सीडेंट का मेन रीजन फिश प्लेट मिसिंग था। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जब ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ मैं भी इसी ट्रेन के जस्ट पीछे वाली ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में आ रहा था। दोस्तों, हुआ ये था कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को रोक के हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को पास दे दिया गया और जस्ट उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। तो जब मैं वहां से गुजर रहा था तो ये एक्सीडेंट मैंने लाइवली आंखों से देखा था। दोस्तों, और भी कुछ भयानक रेलवे एक्सीडेंट है, बट उन रेलवे एक्सीडेंट्स की ज्यादा न्यूज अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। मैं उन रेलवे एक्सीडेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी और आप आगे और क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।